बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे से वीडियोस बनाती है, बट इस बारे में मुझे उतना पता नहीं है तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि क्या हुआ था, बिकॉज मैंने उतना जाना नहीं है, तो अगर मुझे पता होता तो मैं बोलती भी, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। एंड किस्मत में जो लिखा है, मतलब जो होना होता है वो हो जाता है, तो जो होना होता है वो बाद में उसके बाद कुछ अच्छा ही होता है, तो इसलिए शायद ये होना होता है। आप सब इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, बहुत खुशी होती है। जैसे आप मुझे इतने सालों से सपोर्ट करते आ रहे हो, वैसे हमारे गाने को सपोर्ट करिए, उनको उसको प्यार दीजिए, बस इतना ही कहना था। आई लव यू ऑल सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी, आवाज़ ही इतनी अच्छी है तो ऑफकोर्स गाना तो अच्छा होगा ही। उनकी आवाज़ बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे, एंड कि जितने भी गाने हैं थोड़े बहुत मैंने सुने हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड शूट का कहना चाहे, गाने का कहना चाहे, शूट बहुत अच्छे से हुआ है, एंड हम जिस लोकेशन पे शूट कर रहे थे वो लोकेशन तो बहुत ही अमेजिंग थी, एंड बहुत मज़ा आया शूट करके। सब कुछ एकदम अच्छे से हुआ, शूट भी अच्छे से हुआ, एंड सब हर चीज़ था बहुत अच्छे से हुआ, तो बहुत मज़ा आया। एंड अभी अभी रिलीज़ हुआ है तो अच्छे अच्छे वाइब्स आ रहे हैं कि हाँ अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। जैसे इंशाल्लाह अभी 60K हो गया है हमारा, तो ऐसे ही आगे जाए और ऐसी कामयाबी हो। क्या बोला? अभी तो मुझे, मैंने गाना सुना एंड सबने सुना तो सब लोग कह रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा अच्छा कह रहे थे। तो मेरा जो कैरेक्टर है इसमें वो, मतलब मैं बहुत चुलबुली टाइप की बबली हूँ एंड क्यूट है, वैसे ही मैं रियल लाइफ में भी हूँ, तो जो जो मैं असली में हूँ वैसे मैं गाने में भी हूँ, तो बहुत मज़ा आया। बाकी हमारे कास्ट और भी है, सबको बहुत पसंद आया, इनके आवाज़ की बहुत तारीफ हो रही है और पूरी टीम की तारीफ हो रही है, एंड आई एम वेरी ग्लैड क्योंकि सॉन्ग इतना ब्यूटीफुल और मेलोडियस लग रहा है, सो आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि प्रोडक्ट इतना अच्छा आया। आप मुझे बहुत ही प्यारा और काफ़ी वाइब्स आए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आया सॉन्ग, क्योंकि ये गाना भी बहुत प्यारा गाया है, गाना भी बहुत अच्छा है, इसलिए लोगों ने बहुत पास किया। आई एम वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स इट फील्स नाइस टू बी अप्रिशिएटेड, बट मैं जब गाना गाता हूँ तो मतलब मैं आउटकम सोच के नहीं गाता, दैट वे आई कैन परफॉर्म बेटर। आई थिंक वेब कंटेंट हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर दे रहा है, एंड इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी एन आर्टिस्ट, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाइक यू नो एनी बडी कैन कम अप एंड डू एनी थिंग, और फिर उसके लिए प्रेजेस मिलते हैं और फिर सबके सामने एक्सपोज होते हैं, सो आई थिंक वी आर सो ब्लेस्ड टू बी एन आर्टिस्ट इन दिस एरा। काफ़ी अच्छे ये हैं प्लेटफॉर्म, लोगों को मिलता है और काफ़ी फायदे से लोगों को है, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इससे लोगों का फेस ओपन होता है, काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे सब न्यू आज बहुत ट्रेंड चल रहा है सॉन्ग्स इन ऑल का, तो उस बारे में मैं कहना चाहूँगी, मतलब ऐसे ही सब लोग अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाते रहे एंड सबके अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहते रहे और उसी से कामयाब होते रहे, बस दुआएं सबके साथ, मेरी भी और सबकी, मेरे साथ भी कि ऐसे ही होता रहे, अच्छा अच्छा जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छे होगा। टिकटॉक के बारे में, टिकटॉक तो बहुत पसंद है मुझे।